नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका मित्र रामदास, और आज हम जिस यात्रा पर जा रहे हैं उसका नाम है गंगोत्री। और गंगोत्री के बारे में, उसका परिचय और उसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है उसके बारे में जानेंगे, और साथ में ही भैरवनाथ मंदिर का भी दर्शन कराएंगे। तो हम लोग चलते हैं गंगोत्री की ओर। यहीं से हम लोग गंगोत्री को प्रस्थान करते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों से जो पहाड़ों को चीरता हुआ आगे जा रहा है। एक तरफ पहाड़, एक तरफ रास्ता, दूसरी तरफ बहुत गंभीर खाई दार नदी जो पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही है। ये पूरे घुमावदार रोड हैं, ये नदियां हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। अगर यहाँ थोड़ी भी गलती हुई है तो आप लोग जान से हाथ धो बैठेंगे। ये पुल से होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग आ गए हैं भैरव घाटी, जो गंगोत्री से 8 किलोमीटर पहले पड़ता है, क्योंकि विशेष जगह है। क्योंकि जब भी गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं तो नीचे के गांव से, आसपास से डोली आती है, वो भैरव घाटी में ही रुकती है, और यहीं पे भैरव बाबा का मंदिर है। ये बाबा जी की धुनी है। ये मंदिर है, आनंद भैरव जी की मंदिर है। भैरव बाबा इस घाटी की रक्षा करते हैं। इनके आज्ञा के बिना आप गंगोत्री धाम नहीं जा सकते हैं। जो भी यहाँ आता है यहीं रुकता है, दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ का मेन मंदिर है ये, जिसका नाम है आनंद मंदिर। प्रस्थान करते हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता है जो पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। आप जैसा कि देख सकते हैं, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फीली नदियां हैं। हम पहुंच गए हैं गंगोत्री धाम। यहाँ का मेन बाजार है। अब यहाँ गाड़ी पार्किंग खड़ी करने के बाद हम लोग पैदल चलेंगे, और ये सब यहाँ के मंदिर हैं, गेस्ट हाउस हैं, दुकानें हैं, जिनसे होते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इसके आगे गाड़ी यहाँ नहीं जाती हैं। ये सब सुरक्षा बल लगे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ काफी भीड़ भाड़ वाला जगह हो गया है। ये देखिए, इधर गर्म कपड़ों की दुकानें सज रही है, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ही ठंडा रहता है, इसलिए यहाँ हमेशा लोग गर्म कपड़े ही पहन के रहते हैं।
डोली है जो गांव से यहाँ आती है, यहाँ के लोग इसका आनंद उठाते हैं। से सजा हुआ है, चारों तरफ फूल ही फूल दिख रहे हैं। अभी यहाँ का कपाट बंद है। ये हम लोग साइड से आ गए हैं अंदर मंदिर में, यहाँ काफी भीड़ है, यहीं से दर्शन आप कर सकते हैं। अब हम लोग गंगोत्री मंदिर के बाहर आ गए हैं, अब इधर से फिर अंदर चलते हैं। यहाँ पे और कई प्रकार के मंदिर हैं, यहाँ पुजारी जी बैठे हैं, यहाँ नाग जी का मंदिर है, शिव जी का। ये देखिए यहाँ से दूर से नज़ारा देख सकते हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये पहाड़ों में देखिए कितने भगवान की देख सकते हैं, कितनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ इन पहाड़ों के बीचों बीच में। और उधर से गंगोत्री जी बहते हुए आ रही हैं, इन पहाड़ों से आगे बढ़ती हैं, गुजरती हैं। और ये जो सीढ़िया जाता है यहाँ का मुख्य मंदिर की ओर जाता है, यहाँ से ही लोग दर्शन करने आते हैं। यह है गणेश मंदिर, ये भी छोटा सा मंदिर है गणेश जी का। और आगे भी और सारे मंदिर हैं, हम लोग बारी बारी से देखते हैं। अब हम लोग आते हैं गंगोत्री की ओर, जो सामने दिख रहा है दिखाई दे रहा है यही है गंगोत्री। ये उधर से आती हैं, जो इनका पानी पूरा बर्फीला पानी होता है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा होता है। यहाँ का तापमान 10-12 ही होता है, रात में कभी कभी तो माइनस चला जाता है। गंगोत्री जी की जो हाइट है लगभग 8000 फीट ऊपर है, यहाँ काफ़ी ठंडा रहता है। ये कितने अच्छे अच्छे देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, जो 3D में बने हुए हैं, आप देख सकते हैं पूरा कितना सुंदर नज़ारा है। आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।